वही छत्तीसगढ़ सरकार के तमाम निर्देश के बावजूद निजी स्कूल अभिभावकों की जेब से रुपए लूटने से बाज नहीं आ रहे। ऐसे ही एक मामले की पड़ताल की स्वराज एक्सप्रेस रायपुर की टीम ने, जिसमें निजी स्कूलों और किताबों की दुकानों की मिलीभगत उजागर हुई। हालात ये हो गए हैं कि एक एक दुकान से 5 से 10 स्कूलों ने टाई अप कर लिया है और सिलेबस से बाहर की किताबें मनमाने दामों पर बेची जा रही हैं। इतना ही नहीं, स्कूल के बेल्ट, जूते, मोजे और भी ज्यादा दुगने दामों पर बेचे जा रहे हैं। खुद दुकानदार स्कूल से मिलीभगत की तरफ इशारा करते सामने आ रहे हैं, जबकि बेचारे अभिभावक चुपचाप लुटने को मजबूर हो गए हैं। इस वक्त हम जगदम्बा ट्रेडर्स में मौजूद हैं और यहाँ हम जानेंगे कि कौन कौन से स्कूल का यहाँ बुक मिल रहा है। हम यहाँ पे है कैमरामैन से कहूंगे कि ये दृश्य दिखाए। ये ट्रेडर्स का दुकान है जहाँ तमाम स्कूल के यहाँ पे ड्रेसेस और बुक उपलब्ध हैं। ये बुक मेरे हाथ में है, लाइफ स्टाइल का बुक है जो आउट ऑफ सिलेबस है। आप देख सकते हैं इसका MRP 1800 रुपए है और इसका उपयोग कितना होगा आपको दिखा रहा हूँ मैं। ये आउट ऑफ सिलेबस बुक है जिसको बच्चों को घर में एक्सरसाइज करना है। ये आप ये बुक देख सकते हैं कि इस बुक में क्या है। ये आप देख सकते हैं कि वर्क है इसमें, आप मैं आपको दिखाता हूँ। 40 पेज का बुक है जिसको 1800 रुपए में बेचा जा रहा है। अब किसने कहा इस बुक को बेचने के लिए, किसने कहा बेचने के लिए, कहाँ से बुक आई, कहाँ किसका प्रकाशन है, हम दुकानों से पूछ रहे हैं। कितने में बेच रहे हैं बुक को आप? 1000 का बेच रहा था। हाँ, अभी मेरे पास नहीं है, है ना? और क्या पूछना बोलिए। किसने किसने कहा था ये बुक बेचने का? सिलेबस आई कौन 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 से स्कूल से? स्कूल से KPS का सिलेबस चाहिए। हाँ, तो मैंने इसको बेचा। KPS जो हमको बुक लिस्ट देती है उस आधार पे हम बुक मंगा के प्रोवाइड करवाते हैं। ये रेट निर्धारण कौन करता है? ये इसको इतने रुपए में बेचना है, रेट किसने बताया? ये हम निर्धारण किए कि आप निर्धारण किए कितने में आया, कम से कम बेचो, पहले इसको दिक्कत ना। मौजूद है जो पीड़ित है, लगातार इनसे वसूली किया गया था, उनका कहना है। आज दुकान पे मौजूद थे, किस तरह से बातचीत हुई दुकान में आपको? पहले हमसे ले लिया 1000 रुपए। अभी कितना रिटर्न किया आप? 1000 रुपए वापस। कौन से बुक के बदले लिया है? लाइफ स्किल से। कितना? 1000 रुपए। हाँ, पहले कितने में खरीदे? पहले अब टोटल मैंने नहीं देखा है, उसका ग्रांड टोटल देखा नहीं है। MRP कितना लिखा है? MRP 1800 रुपए, 1800 रुपए। तो लगता है ये बच्चों के लिए उपयुक्त है? नहीं, उपयुक्त नहीं है कि स्कूलों की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, हमें अधिकार है कि हम कोई भी स्कूल का बेच सकते हैं। अब सवाल ये उठता है किसी का लोगों को बेचने के लिए अब बिना परमिशन का बेचना गैर कानूनी होता है। अब देखते हैं इससे किस तरह की आगे की कार्रवाई की होती है। कैमरा मैन रेखा राम के साथ सत्या राजपूत, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर। अगली खबर जहाँ